थोड़ा कोई गाड़ी में पेट्रोल का साइन पैर हो जाए साइड में करो गाड़ियों तो ये वायलेशन फिर से करते हैं उनके लिए क्या? बिल्कुल आपने सही कहा, रिपीटेड वायलेशन है। देखो एनफोर्समेंट तो होगी उस पर लगातार, एक सस्टेंड तरीके से इस पर ड्राइव जारी की आज शुरू की है, और इसमें ट्रैफिक पुलिस, इसमें एसएमसी और एसडीए, रेवेन्यू अथॉरिटी, सभी लोगों ने मिलकर इसमें एक ड्राइव शुरू की है, और कंसर्न जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो इस ड्राइव को लगातार जारी रखा जाएगा, और हम ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी शख्स एम्बुलेंस की मूवमेंट को ब्लॉक ना करे। जब बटमालू में जाम लगता है तो 1 किलोमीटर पीछे, 500 मीटर पीछे ज़रूर कोई ना कोई एम्बुलेंस होती है। तो हर गाड़ी चलाने वाला अगर अपने जेहन में ये रखेगा कि हमें किसी अस्पताल में जाते हुए दम तोड़ते हुए मरीज़ को जगह देनी है, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुँचाना है, तो मुझे लगता है कि अगर इतना ही सेंस हम रखेंगे हम सभी मिलकर, तो ट्रैफिक जाम नहीं लगेंगे। सर अगर देखा जाए यहाँ पर रामबाग में भी इसी तरह की सिचुएशन होती है, काफ़ी ज़्यादा कंजेक्शन रहता है सुबह और शाम, वहाँ पर हमने देखा है कि एम्बुलेंस जो है वो भी ट्रैफिक में फंस जाती है, तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक इंतजाम उठाने की ज़रूरत नहीं है सर? देखिए बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको ये बता दूँ। आप जहांगीर चौक की एग्ज़ाम्पल ले लें, जो शॉप से शॉपकीपर्स जो हैं उनकी गाड़ियाँ दुकानों के आगे लगी होती हैं, जबकि जहांगीर चौक के पास आप अदर साइड देखें वहाँ पर पार्किंग स्पेस डेजिग्नेटेड है, उसको